गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस, मैं आज आया हुआ हूँ आगरा और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है आगरा की जामा मस्जिद। तो कब बनी थी, किसने बनवाई थी, क्या इसका इतिहास है, ये सारी चीजें इस व्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। साथ साथ ये बेहद ही खूबसूरत मस्जिद, ये मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ। तो जल्दी से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं बेहद ही खास व्लॉग। ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद के बाहर का नज़ारा, ये बाहर की मार्केट और ये है मस्जिद का यहाँ से गेट और यहाँ से हम चल रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये मस्जिद, और ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट का यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है KSI का, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद, यहाँ पर शुरुआत में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ इतिहास लिखा हुआ है जिसमें बतलाया गया है कि ये मस्जिद जो है जहाँ आरा बेगम ने बनवाई थी, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी, 1648 में उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था और इसकी कॉस्टिंग आई थी 5 लाख रुपीज़ उस समय पर। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं दिखलाने वाला हूँ आपको ये अंदर चलकर। यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ये मेहराबदार ये गेट, यहाँ पर आप देखेंगे ये बुर्ज बना हुआ है, ये आप यहाँ से देखेंगे ऐसे ही, ये इधर से भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये इसका इस सहन है मस्जिद का, जो काफ़ी बड़ा सहन है। इस मस्जिद को देखने से दिल्ली की जामा मस्जिद की झलक हमें देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद में मीनार बनी हुई है जबकि इस मस्जिद में मीनार नहीं बनी हुई है। बाकी 3 गुंबद इसमें बने हुए हैं और सेम टू सेम बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद की झलक हमें देखने के लिए मिल रही है। सामने की तरफ ये वजू खाना यहाँ बना हुआ है जो कि बेहद ही खूबसूरत इस मस्जिद का व्यू यहाँ से शो हो रहा है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पर वजू खाना। सामने की तरफ आप देखेंगे तो इस मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जबकि बीच में आप देखेंगे तो वाइट संगमरमर का यूज़ करके कुरान शरीफ की आयतों को उकेरा गया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये बेहद ही खूबसूरत मस्जिद। ये है वो गेट जिस गेट से मैंने एंटर किया था, और इधर से हम देखेंगे तो ये आप देखेंगे काफ़ी सारे मेहराबदार गेट इधर ये बने हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक गेट ये बाहर से एंट्री का, एक ये इधर है और ऐसा ही एक गेट इधर है। तो बेसिकली 3 गेट हैं मस्जिद में एंट्री करने के। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और सामने की तरफ आप देखेंगे जामा मस्जिद का बेहद ही खूबसूरत व्यू। जैसा कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे है रेड फोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं शाहजहाँ ने जो है ये मस्जिद, क्योंकि शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा बेगम ने ये मस्जिद बनवाई थी, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये भी जो है लाल किले के सामने बना हुआ है। उसी तर्ज पर दिल्ली में जब शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद को बसाया था तो सेम वहाँ पर उसी के सामने जामा मस्जिद को भी बनाया गया था। तो ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत मस्जिद। मस्जिद में इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है वजू खाना बना हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं दिखलाता हूँ यहाँ से, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये वजू खाना बनाया हुआ है। जो लोग एक वजू खाना बेसिकली वहाँ पर है जो कि पुराना है, और एक ये वजू खाना है जो यहाँ पर आप वजू कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो सामने की तरफ मदरसा है, बच्चे यहाँ पर तालीम ले रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लाल बलुआ पत्थर से इस मस्जिद को बनाया गया है, जबकि आप देखेंगे तो वाइट संगमरमर का यूज़ करके इसको डिज़ाइन दिया गया, और बीच में अगर आप देखेंगे तो कुरान शरीफ की आयतें यहाँ पर बीच में लिखी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मस्जिद का इतिहास और डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, आप जूम करके तसल्ली से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखलाऊं तो देखिए ड्रेनिंग सिस्टम का बहुत ही बेहतर काम किया हुआ, पत्थर को काट के इसके नीचे से जो है नाली निकाली हुई है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का पानी वगैरह
ना रुक सके। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं जगह जगह पर इस तरह का यहाँ पे ये काम किया हुआ है। सेम आपने अगर आगरा फोर्ट में देखा होगा तो आगरा फोर्ट में भी इसी तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि ड्रेनिंग सिस्टम इसका बहुत ही बेटर तरीके से बनाया हुआ है। तो बरसात का पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये मिंबर है। जैसे आपने दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर आपने अगर देखा होगा तो वहाँ भी एक मिंबर बाहर बनाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में जैसे जुमे की नमाज अगर बाहर होती है तो इमाम साहब यहाँ से खुतबा कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ और अंदर से देखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे इसका ये मेहराबदार ये गेट, यहाँ से ये देख सकते हैं जो कि बेहद खूबसूरती से बनाया गया है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि व्हाइट संगमरमर का यूज करके इसका ये मेन मेहराब है, और ये सामने मिंबर ये आप देख सकते हैं, और ये आप देखिए सेम ऐसा ही इधर का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाई आगरा की जामा मस्जिद, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मस्जिद है और मुगल काल में ये मस्जिद बनाई गई थी। तो होपफुली आपको आज का ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।